सोलन में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं अब बुरी साबित होने लगी हैं, जिसके लिए अब सोलन प्रशासन सीमित संसाधनों में बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहा है। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त सोलन केसी चमन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एम्बुलेंस और होम आइसोलेशन व्यवस्था को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ में अगर किसी रोगी को आपातकाल सेवा चाहिए तो वह उस समय किसको संपर्क साध सकता है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। रोगियों को किसी भी तरह से दवाइयों की कमी ना आए, इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने माना कि जिला में एम्बुलेंस की कमी आ रही है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर वे एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोगियों को आने जाने के लिए किसी भी तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला में होम आइसोलेशन ठीक से हो, इसकी व्यवस्था भी अब पहले से दुरुस्त की जा रही है। जिस घर में दो शौचालय नहीं होंगे, उन्हें केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी रोगी को आपातकाल सेवा चाहिए तो वे 1077 पर 24 घंटे संपर्क साध सकता है। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर वे दवा, चिकित्सक परामर्श और तबीयत बिगड़ने के साथ साथ अन्य आपातकाल समय पर संपर्क साध सकता है, उसकी समस्या को तुरंत हल किया जाएगा। रोगी को किसी भी तरह की परेशानी आने नहीं दी जाएगी। जल्द और आपातकाल सेवा के नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि एम्बुलेंस की कमी के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, 108 है, कुछ वहाँ पे 108 के स्टाफ भी पॉजिटिव पाए गए तो थोड़ी उसकी भी कमी है, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि कोविड पेशेंट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनकी हेल्थ मोबिलाइजेशन के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। इसकी हम कर रहे हैं और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो रही है। एक दो दिन में व्यवस्था जो समुचित तौर पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोविड के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विसेज रहेगी और नॉन कोविड के लिए हम एम्बुलेंस रिक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये एकदम व्यवस्था इसमें रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो कोविड के लिए हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए काफ़ी सारे लोग, अभी बहुत लार्ज नंबर है होम आइसोलेशन में, तो उनके लिए हमने, वैसे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, उसमें 1077 ये आपको 24/7 के आधार पे कोई भी आपकी इमरजेंसी है, इस पर आप अपने फ़ोन कर सकते हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, या आपका कोई शिफ्टिंग की ज़रूरत है, अगर आपको उस संबंध में उस निकट एरिया में बीएमओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई और ऐसी व्यवस्था है, तो अगर आप उस अवस्था में तुरंत आप 1077 में टेलीफोन कीजिए। और अभी 2-4 दिनों में हम और बहुत सारी डेडिकेटेड लाइन है जो 24 घंटे और कोरोना की हालात के लिए चलेगी, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, जो आपको बता दिया जाएगा।